नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल डांगी। आज आपको बताऊंगा हमारे मकान के ऊपर मोज़ेक टाइल्स के टुकड़े लगाना क्यों जरूरी है। तो ये जो देख रहे हैं आप, मैंने मेरी छत के ऊपर ये मोज़ेक टाइल्स के टुकड़े लगाए हैं, इससे क्या फायदे हैं? तो फायदे बताऊंगा, तो आप भी अपने मकान के ऊपर ऐसे टुकड़े लगा सकते हैं। तो फायदा नंबर एक, ये लगाने के बाद जब सूर्य की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है तो किरणें वो परावर्तित हो जाती है और वापस चली जाती है, जिससे हमारे इसके नीचे के रूम में गर्मी थोड़ी कम लगती है। फायदा नंबर दो, जब ये टाइल्स आप लगाते हैं तो आपकी छत एक साफ रहती है। नहीं तो क्या होगा, जब सीमेंटेड छत होगी तो उसके ऊपर बरसात में काई जमेगी और वो सीमेंट के कारण छत काली काली हो जाएगी और डस्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा रहेगी, जिससे कचरा निकालने में भी, सफाई करने में भी आपको दिक्कत पड़ेगी। तो ये साफ और सुंदर दिखती है, इसलिए ये टाइल्स के टुकड़े हमें अवश्य लगाना चाहिए। जब भी आप छत पर घूमने के लिए आएंगे तो आपके पांव वगैरह भी गंदे नहीं होंगे और एकदम साफ सुथरी छत दिखेगी, तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। ये देखो, ये डिजाइन आप देख रहे हैं, आप अपनी छत पर इस प्रकार ये डिजाइन भी बनवा सकते हैं। और इसको बनाने में दोस्तों कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, एक नॉमिनल चार्ज ही रहता है। जो आप अपना मकान अगर खुद का बनाते हैं तो ये चार्ज भी आप वहन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मनचाही डिजाइन, ये गोलाकार डिजाइन, स्क्वायर डिजाइन, जैसी आप डिजाइन चाहो वैसी बना सकते हैं। और डिजाइन में भी कोई विशेष कोई सामान नहीं लगता, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। डिजाइन में ये जो अलग से टाइल्स दिख रही है वो अलग कलर की टाइल्स होती है, और हल्का सा चक्कर बना के वहाँ पर वो टाइल्स लगा दी। अब ये टाइल्स लगाते कैसे हैं? ये टाइल्स बहुत सस्ती मिलती है, सबसे सस्ती ये टाइल्स मिलती है, और इसको पेटियां खरीद के लाके इनको पहले तोड़ के इनके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद में फिर जो सीमेंट लगाई जाती है वो वाइट सीमेंट रहती है, तो वाइट सीमेंट का गोला इसके ऊपर घुमा दिया जाता है और जो नीचे सीमेंट रहती है वो काली सीमेंट ही रहती है। तो सीमेंट के ऊपर ये टुकड़े लगा देते हैं, और जब भी आप इसको लगवाएं तो परफेक्ट जो इसका कारीगर हो उससे ही लगवाना चाहिए। ये देखो, ये सीमेंट, जो सीमेंट की छत हमारे बाजू वाले की, वो कैसी काली काली हो गई है, इसमें क्रैक्स वगैरह भी पड़ जाते हैं, काई जम जाती है और दिखने में बड़ी बदसूरत लगती है। इसलिए ये वाइट सीमेंट मोज़ेक टाइल्स जो है वो आपको अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपकी सुंदरता छत की और चार चांद लग जाएंगे और बहुत बढ़िया लगेगी। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, और इसको बता रहा था मैं कैसे, इसका लेवल जो निकालना है वो बहुत ज़रूरी है। और इसको लगाने के बाद में आपके मकान के अंदर लीकेज की भी, जो अगर कोई प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, तो लीकेज भी बिल्कुल नहीं होगा। दीवार के पास में थोड़ा स्लोप देके बनाते हैं, जिससे क्या है, पानी जो है बरसात के सीजन में तुरंत बहकर चला जाता है। इस प्रकार ये मोज़ेक टाइल्स लगाने के कई फायदे हैं, और इन फायदों को आप उठाइए। देखिए, मैंने नज़दीक से फोटोग्राफी करके कितना अच्छा सुंदर बताया कि किस प्रकार ये टुकड़े लगाए जाते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए और ये टुकड़े अवश्य लगाएंगे अपनी अपनी छतों पर। जब भी आप इसको अपनी छत पर लगावें तो छत पर अगर जो पहले से प्लास्टर किया हुआ है उस प्लास्टर को निकाल के फेंक देना है। उसके बाद उस पर रेती बिछाई जाएगी और रेती के ऊपर फिर सीमेंट का पानी करके लगाया जाएगा, और फिर एक एक टुकड़ा इसको बिठाते हैं। एक एक टुकड़ा लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर वाइट सीमेंट डाल के उसको एक जैसा लेवल करके अच्छा बना देते हैं, और फिर ये लास्ट में इसमें पानी बन जावे तो पानी भर के रखना है। कम से कम 2-3 दिन तक पानी भर के रखें, ताकि कोई लीकेज विकेज हो तो मालूम पड़ जावे। इस प्रकार ये मोज़ेक टाइल्स आप अपने छत पर लगाएं और भरपूर आनंद उठाएं इसका। धन्यवाद।